अमुक व्यक्ति को सबक सिखाना हमारा धीरे रहता है। अगर वो अपने आप में बहुत गुरु या बहुत होशियार बनता है तब उसे बताया जाता है कि भारतीय ऋषि परंपरा क्या है। शायद आपको मौका लगा हो, अगर नहीं लगा तो मैं बता देती हूँ, ऐसे बहुत सारे मेंटलिस्ट, इल्यूजनिस्ट, माइंड रीडर्स हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर, टीवीज़ पर आके भी बता रहे हैं कि भाई सुहानी भी हैं उसमें, तुषार भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं, अगर लोगों के बारे में बताना, उनके मन की बातें जान लेना, वो भी करके दिखा रहे हैं और सही करके दिखा रहे हैं, तो उनमें और आप में अंतर क्या है? वो कह रहे हैं पहली बात तो उनकी एक सीमा है, दूसरी बात वो क्लू फेस रीडिंग कर सकते हैं, तीसरी बात वो बिफोर टाइम सबके बारे में नहीं लिख सकते हैं, चौथी बात जादूगरी को ऋषि परंपरा से नहीं तोड़ सकते। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, आप इसको जादूगरी से नहीं तोड़ सकते। अगर आप इसको जादूगरी से तोड़ रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है देश का। पांचवी बहुत गंभीर बात यह है कि जादूगर की कला को हमारे तरफ से बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान है, लेकिन उनकी एक सीमा है, वो सीमा पार नहीं कर सकते और वह किसी किसी समस्या के समाधान को नहीं दे सकते। पर तमाम जो लोग हैं वो एक सवाल, जो आपके आलोचक हैं, वो सवाल उठाते हैं कि जैसे एक जादूगर है या माइंड आर्टिस्ट है, वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही काम कर सकता है, जैसे आपने कहा, तो आपके बारे वो अनलिमिटेड नहीं कर सकता। हाँ, वो 4 लाख लोगों के बीच में नहीं कर सकता। वो भी वही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बिफोर टाइम नहीं कर सकता। पर वो जो आपके आलोचक हैं वो कहते हैं, और इसीलिए मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, क्योंकि देखिए निंदक न्यारे राखी है ये कहा गया है, तो इसीलिए कि आप जो हैं, जब वो सवाल आप भी अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, आप भी सिर्फ अपने दिव्य दरबार में करते हैं, ये नहीं कि कहीं भी और जगह अगर कोई आना चाहे या मैं आपसे कुछ पूछना चाहूं अभी, तो इस तरह से आप नहीं उसकी परंपरा है। अच्छा, गद्दी की एक महिमा है, जादूगर तो आपके स्टूडियो में पहुंच जाता है लेकिन दरबार स्टूडियो में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि प्यासा कुआं के पास आता है लेकिन जो कुआं है वो प्यासे के पास नहीं जाता है। ठीक है, तो जो ऋषि परंपरा की महिमा है, वो महिमा का मतलब उसका प्रार्थना होती है, एक ईश्वर से आस्था जोड़ने का एक औरा होता है और उसके लिए प्रार्थना की जाती, निवेदन किया जाता, जो मंत्र विधि है उस विधि का प्रयोग किया जाता। जिस प्रकार आपके कैमरे पर आने के लिए हमें लाइट का सहारा, कैमरे का सहारा, माइक का सहारा, उसी प्रकार हमें ईश्वरीय सत्ता के सामने आने के लिए अपने जो उपकरण है उनका सहारा लेना पड़ता है, मतलब प्रार्थना, कनेक्टिविटी, ध्यान, अंदर गहन होना। एक आरोप जो आपके ऊपर लगा है मैं तमाम पूछूंगी, ताकि आज जो है ये कोई ना कहे कि भाई हम बागेश्वर धाम गए और हमने ये सवाल नहीं पूछा, और यहाँ पर महाराज जी ने भी हामी भरी है कि तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देंगे। एक सवाल ये कहा जाता है कि भाई आपके यहाँ दरबार में जो आगे बैठेगा उसको 2100 रुपए, कोई 5100 कह रहा है, वो राशि मुझे भी नहीं कंफर्म है, कोई कहता है कि 2100 रुपए देते हैं, अगली वाली से 1100, फिर 500, जो लोग ज्यादा पैसे देते हैं उन्हें आगे बैठने को मिलता है, ऐसा है क्या? भारत के इतिहास का प्रथम दरबार है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी व्यक्ति ऐसा बता दे तो थर्ड व्यक्ति अगर कोई कर रहा उसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छा। बागेश्वर धाम मंडल, बागेश्वर धाम के जो परमानेंट शिष्य या धाम सेवा समिति न 1 रुपया लेती है न जीवन पर्यंत लेगी, इस प्रकार का कुप्रचार करने का कोई स्वांग षड्यंत्र हो सकता है, आज तक हमारे सामने ये बात नहीं आई, ये फर्स्ट